हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। आज मैं आप लोग के लिए छोटा सा व्लॉग बनाने वाली हूँ। आपको ये दिखाने वाली हूँ कि हम लोग अपनी चांद रात कैसे मनाते हैं। और आज हमें बहुत सारे काम है क्योंकि चांद रात है, लड़कों के कपड़े वगैरह भी इस्त्री होंगे। आज इंशाल्लाह तरावी होगी और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल हमारा पहला रोज़ा होगा। तो आज मैं आपको पूरे दिन भर की रूटीन दिखाऊंगी और उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए सारे मसाले, अनारदाना, अभी जीरा, पकौड़ा मसाला। अभी ये सब मसाले हमारे यहाँ चांद रात में सब तैयार कर दिए जाते हैं और वो बनाती हैं मरियम आंटी। ये देखिए हम आपको मसाले की रेसिपी भी दिखाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो इस तरह के मसाले बना के रखें अपने समोसे पकौड़े और अपनी रमज़ान को स्पेशल बनाए। ये देखो इसमें ये सारे मसाले रखे जाएंगे। ये हमारी थाली है, थाली ग्राइंड कर लेंगे सबसे पहले क्योंकि ये भूनता नहीं है। बाकी सारे मसाले जो है वो भूनेंगे ना, इसको नहीं भूनेंगे। ये पकौड़ों में बहुत अच्छा टेस्ट दिखता है। पहले इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें हम लोग सारी चीज़ें इसमें थोड़ी थोड़ी डाल देंगे ताकि इफ्तारी के वक्त इतनी हबड़ा दबड़ी होती है, फिर आप पूरे बॉक्सेस निकालें काटें ये वो, तो ये अच्छा रहता है। आप लोग भी चाहें तो ले सकते हैं, इससे बहुत आसानी होती है और आपका टाइम भी बचता है। ये अब हमने इसमें जीरा डाल दिया, इसको हल्का सा हम गर्म करके भूनेंगे भूनेंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है भूनने के बाद, फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ओके, और आप लोग भी बताइए। लेकिन इनका बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा खड़ा खड़ा रखना है थोड़ा सा। हाँ, तो हमारे घर में तो कई चांद रात की तैयारियाँ इस तरह होती हैं। आप लोग भी बताइएगा आप लोग के घर में तैयारियाँ किस तरह होती हैं, आप लोग क्या क्या करते हैं अपनी चांद रात में, बाहर निकल के घूमते फिरते हैं या तो फिर घर में तैयारियाँ मसाले वसाले बनाते हैं। अपनी चटनी भी बना दी, मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। चटनी वगैरह सब रेडी है, अब हम इसे पीस देंगे। हल्का सा हमने इसको गर्म कर लिया, अब हम इसको पीस देंगे। वो भी हम इस बॉक्स में कर देंगे। हर एक चीज़ हमने अलग अलग पीसनी है और अपना मसाला तैयार करना है। और ये देखें हमने इसमें चटनी पहले से तैयार करके रखी हुई है। ये इमली की चटनी है और ये बहुत ही मज़ेदार लगती है पकौड़ों वगैरह के साथ। ये भी हमने आज चांद रात में बना के रख ली है, मतलब हमारी भाभी जान ने बनाई है ये। और दो अदद लड़कियां यहाँ पे देखो क्या कर रही हैं, ये लोग कुछ पेंटिंग शेंटिंग कर रही हैं। पेंटिंग नहीं कर रहे, फिर क्या कर रहे हैं पता नहीं, ऐसे ही देख रहे हैं। और ये गुड़िया आई है, गुड़िया से हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इतना ही हसीन खूबसूरत चांद है माशाल्लाह।